अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल इस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज जो आप लोगों के लिए मैं रियल इस्टेट लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन में ये एक कनाल का 6 बेडरूम बहुत ही मॉडर्न फीचर्स के साथ ये घर है जो कि हमारे पास आ चुका है फॉर सेल के लिए ऑन कैश। अच्छा, ये भी इसकी सबसे अच्छी बात नहीं है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके साथ अगर आप लेना चाहें तो ये जो एक कनाल का प्लॉट इसके लेफ्ट साइड पे है तो ये दोनों सेम ऑनर्स हैं, आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं और इसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा लैंड में। ये दीवार हटा के ये जो लेफ्ट साइड पे आप प्लॉट देख रहे हैं जो कि फुली लेवल्ड है, बड़ी अच्छी एम्बियंस में, बड़ी अच्छी वाइब में, बड़ी अच्छी स्ट्रीट में और बड़ी ही अच्छी लोकेशन में, DH2 इस्लामाबाद में ये जो प्लॉट है ये भी आप ले सकते हैं इस घर के साथ। तो ये टोटल एरिया जो है ये 2 कनाल का हो सकता है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो आप सिर्फ इस घर की भी डील बना सकते हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले इसकी लोकेशन बताता हूँ विच इज़ द प्राइम पार्ट। ये पीछे आप लोग बैक साइड पर मस्जिद भी देख रहे हैं, मस्जिद के बिल्कुल करीब, पार्क्स के बिल्कुल करीब, सारी अमेनिटीज़ बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं और ये घर बना हुआ है DHA Phase 2 इस्लामाबाद के Sector B की प्राइम तरीन लोकेशन पर। लेफ्ट साइड पर जो प्लॉट है अगर आप इसके साथ ये घर लेते हैं एक कनाल का तो इसकी प्राइस है 15 करोड़ रुपया डिमांड, और अगर आप सिर्फ इस घर की स्पेसिफिकली डील बनाते हैं तो इसकी डिमांड है 9.5 करोड़ रुपया। अभी चलते हैं इस घर के अंदर और अब जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको इसका स्ट्रीट व्यू दिखाऊँ तो इसके सामने आपको 40 से 50 फुट की बड़ी वाइट और बड़ी खामोश क्वाइट स्ट्रीट मिलती है और बीच में आपको ये खूबसूरत एलिवेशन मिलती है जिसको खूबसूरत वाइट लाइटिंग से और बड़े मॉडर्न स्टाइल में, बड़े डार्क टोन में इसको थीम दिया गया है। राइट साइड पे भी आपको ये 40-50 फुट की स्ट्रीट मिलती है। अभी इस घर के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ लेकिन उससे पहले इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात कर लेते हैं। ग्लास की इसमें आपको सामने जो है ये रेलिंग मिल जाती है जो कि इसको बड़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। बाकी कम्प्लीट घर पर ग्रे कलर की रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है जो इस घर को बड़ी वाइट और बड़ी वाइड लुक प्रोवाइड कर रहा है जो कि बड़ी अपीलिंग है। अभी बात कर लेते हैं इसके रैंप की, तो रैंप पे टफ टाइल का आपके सामने स्टोन वर्क किया गया है। लेफ्ट साइड पे आपको ये पैच मिल जाता है हॉर्टिकल्चर का जिसको आप मज़ीद डेवलप कर सकते हैं इसमें प्लांटेशन वर्क करके, लैंडस्केपिंग करके। और ये जो इसकी साइड वॉल है इस पे भी आप देख सकते हैं कि ग्रिल का बड़ा खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया गया जिसके अंदर एक सी थ्रू आपको एक्सपीरियंस मिलता है। अभी चलते हैं इस घर के अंदर लेकिन उससे पहले मैं आपको इस गेट की खासियत बताता हूँ। ये स्लाइडिंग में मेटल गेट है लेकिन इसके साथ सेंसर्स लगे हुए हैं, कोई बच्चा कोई हाथ शाथ इसमें नहीं आ जाता, ये गेट ऑटोमेटिकली खुद ही रुक जाता है। इसका डेमो मैं साथ अटैच कर देता हूँ ताकि आप इस गेट की खूबसूरती जो है वो देख सकें कि इसमें क्या सेंसर जो है वो लगा हुआ है। अभी चलते हैं इसके पोर्च की तरफ, तो पोर्च इंतहाई मैसिव है और इसके अंदर टाइल का इस्तेमाल किया गया नीचे और साथ जो है आप इसमें 3 से 4 गाड़ियाँ आराम सुकून से खड़ी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको ये अंदर इसके लैंडस्केपिंग एरिया मिल जाता है जिसमें आप आराम से बैठ शैठ के शाम के टाइम जो है कॉफ़ी शॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। आप इस पर वेदर शीट का इस्तेमाल देख सकते हैं इस घर की पेंट जॉब पे। ये वो सेंसर लगा हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा था गेट पे। अभी चलते हैं इस घर के अंदर और इसके जो मेन पार्ट्स हैं, जो मेन इंटीरियर डिज़ाइन की खूबसूरतियाँ हैं वो जाके देखते हैं। मेक श्योर करें कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस घर के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूं और ये घर किसी ऐसे ज़रूरतमंद या ख्वाहिशमंद तक पहुंच सके जो इसको लेना चाहता है। गेट की जो हाइट है वो तकरीबन 8 फुट है और ये दयार के दरवाजे बने हुए हैं जो कि बहुत रिलायबल मटेरियल है वुड में, और ये आप गेट की स्टाइलिंग देख सकते हैं। नीचे आपको ग्रेनाइट के स्टेप्स मिलते हैं। अभी मैं आपको एंटर करता हूँ इसकी मेन लॉबी में और लुक एट दिस एक्सपीरियंस। आपको एक हाई सीलिंग स्काईलाइट मिल जाती है, बीच में आपको खूबसूरत वार्म लाइट, और ये जो सामने लॉबी में आपको टाइल नज़र आ रही है दिस इज़ स्पेनिश टाइल और ये बड़ी ज़बरदस्त एम्बियंस प्रोवाइड कर रहा है इसकी लॉबी एरिया को। सामने आपको छोटा सा ये वाटरफॉल सिस्टम मिल जाता है। अब घर की तरतीब ये है कि लेफ्ट साइड पे आपको जो है यहाँ पे ड्राइंग रूम मिल जाता है, राइट साइड पे आपको डबल यूनिट भी ये घर यूज़ हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप पार्टीशन करके, ये बैक साइड से दरवाज़ा है तो आप ऊपर भी जा सकते हैं, तो राइट साइड पर आपको ये स्टेयरकेस मिल जाता है और इसके साथ ही बिल्कुल ये खूबसूरत आपको पाउडर रूम मिल जाता है। इसमें पाउडर रूम में एंटर होते हैं, तमाम फिनिशेस जो वॉशरूम में हैं वो इटालियन हैं और इसमें जो टाइल यूज़ की गई है आप देख सकते हैं कि किस मॉडर्न स्टाइल में इसको तर्स दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सिंक सेटअप दिया गया है जो कि बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है इसके जो पाउडर रूम है उसमें। अभी मैं आपको सबसे पहले एंटर करता हूँ इसके जो ड्राॅइंग रूम एरिया है विच इज़ द मेन पार्ट जहाँ पर गेस्ट आके बैठेंगे, उसकी ये वाइड लुक है विच इज़ वेरी स्पेशियस। ये इतना बड़ा ड्राइंग रूम इस एक कनाल डबल स्टोरी 6 बेडरूम के हाउस में आपको मिलता है। नीचे आपको जो टाइल यूज़ में मिल रही है चाइनीज़ है, ऊपर आप जो सीलिंग वर्क देख सकते हैं एक खूबसूरत शैंडलियर आपको मिलता है। इस घर की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, वाहिद के आपको फैंस मिलते हैं, सीलिंग वर्क बहुत अच्छा है
और यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाती है जो कि आपके गार्डन एरिया की तरफ पॉइंटेड है। अब यहाँ पे ये जो गेस्ट रूम है, ये जो ड्राइंग रूम है, इसकी एक ओपनिंग छोड़ी गई है यहाँ किचन से, ताकि आप यहाँ से ही किचन से आप इसको सर्व कर सकें अपने गेस्ट को। तो दिस इज़ वेरी थॉटफुल और ये बहुत कम घरों में मैंने देखा है। अभी चलते हैं इसके मेन ड्राइंग रूम का जो दूसरा दरवाज़ा है जो कि इसके टीवी लाउंज में लगता है, और ये टीवी लाउंज का एक्सपीरियंस है। इतना बड़ा मैसिव आपको एरिया मिलता है टीवी लाउंज का। टाइल सेम यूज़ की गई है जो ड्राइंग रूम में थी। सामने आपको मीडिया वॉल डिज़ाइन में मिल जाती है, ऊपर आप इसका सीलिंग का काम देख सकते हैं। अब मीडिया वॉल की तरफ आएँ तो इसमें वुडन पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, और ये सारे के सारे वुडन पैनल्स जो मैं किचन में भी आपको दिखाऊंगा, ये सारे के सारे टर्किश हैं। सीसीटीवी कैमरास इस घर में इंस्टॉल्ड हैं, ये उसका मॉनिटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। राइट साइड पे एक बड़ी विंडो आपको मिल जाती है, तमाम विंडोज़ UPVC हैं, और साथ इसमें ग्रिल सेटअप दिया गया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ओपन डिज़ाइन में आपको किचन मिल जाता है यहाँ पे, जो कि अगला पार्ट है जिसमें मैं एंटर हो रहा हूँ। ये आप स्टाइलिंग चेक कर सकते हैं किचन की, एक कनाल के घर में। और इसके जो वुडन पैनल्स हैं व्यूअर्स, ये सारे के सारे टर्किश हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये वाटरप्रूफ हैं, ये हीट प्रूफ हैं, ये फूलेंगे नहीं कभी भी, बहुत रिलायबल हैं। लेफ्ट साइड पे आपको ये ग्रेनाइट की फिलिंग्स मिलती हैं, स्लैब्स मिलती हैं। यहाँ पे आपको दो ओवन्स मिल जाते हैं, वन इज़ अ ग्रिल ओवन, वन इज़ अ जो सिंपल ओवन होता है वो। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कैबिनेट है जिसमें आप तमाम जो क्रॉकरी है या तमाम जो और अप्लायंसेस है किचन की, या क्रॉकरी या यूटेंसिल्स कुछ भी है, आप यहाँ पुट कर सकते हैं। यहाँ पे एक विंडो दी गई है जहाँ पे एक अच्छी लाइट आपको या एयर जो है वो प्रोवाइडेड है। ये वो ओपनिंग है जो मैं आपको दिखा रहा था, आप सर्व कर सकते हैं यहाँ से। चूल्हा लगा हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त मॉडर्न स्टाइल में हुड लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे आपको फिर डर्टी किचन भी इसके साथ मिल जाता है, जिसके अंदर आप अगर देखें तो फिल्ट्रेशन प्लांट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब ये फ़ायदामंद इसलिए होता है कि आपको साफ शफाफ पानी के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से आपको घर में ही प्रोवाइडेड है। ये सारी कैबिनेट्स भी आप देख सकते हैं, कैबिनेट टेस्ट कर लेते हैं एक, बहुत ही मजबूत। मैंने आपको इसकी रिलायबिलिटी की तारीफें कर दी हैं, आप मज़ीद देख सकते हैं। और यहाँ से एक दरवाज़ा आपको मिल जाता है बाहर साइड, बैक साइड ऑफ द गैलरी में जाने के लिए। वॉक अराउंड में आपको इस घर का कंप्लीट इनसाइड टूर देने के बाद करवाऊंगा। अभी चलते हैं व्यूअर्स, ग्राउंड फ्लोर पे कितने कमरे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 3 बेडरूम इसके ग्राउंड फ्लोर पे हैं जो कि इस खूबसूरत गली से निकल के जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल कूलिंग और वेंटिलेशन सिस्टम है, ये भी इस घर में आपको मिल जाता है। एक तो वेंटिलेशन में आपको काफ़ी हेल्प होगी और सेंट्रली कूल्ड रहेगा ये गर्मियों में। अभी चलते हैं एक कमरे की तरफ। ये कमरे का साइज बहुत बड़ा है, सबसे बड़ी चीज़ ये कमरे हैं इस घरों में, और ये कनाल के घर में इतने बड़े बड़े कमरे एक नेसेसिटी है। यहाँ पे आपको इसकी कैबिनेट्स मिल जाती हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन सेंट्रली कूल्ड यहाँ पे आपको ये मिल जाता है। इस घर में कोई स्मेल नहीं होगी, इस घर में और कोई आपको ऐसी स्मेल नहीं फील होगी, क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम लगा हुआ है। बटन्स की क्वालिटी की जहाँ तक बात है वो चेक कर लेते हैं, काफ़ी रिलायबल लग रहे हैं। वॉशरूम्स की जहाँ तक फिटिंग्स की बात है तो तमाम फिटिंग्स इटालियन हैं, और इसके अंदर सारी की सारी इंटरनली कंसील्ड है, कोई भी आपको पाइप, कोई भी आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी यहाँ पे। ये लेफ्ट साइड पे इसका वैनिटी मिरर है, सिंक आप देख सकते हैं कैसा का टाइल वर्क किया गया है, बड़ा ज़बरदस्त। और वॉल हंग कमोड मिल जाता है आपको। अभी चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ जो कि ये है। इसका साइज भी काफ़ी एम्पल है। बैक साइड पे इसकी गैलरी आपको नज़र आ रही होगी विंडो के उस पार। और यहाँ पे आपको मैं इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। इसमें भी बड़ी अच्छी टाइल का इस्तेमाल किया गया है, नीचे आपको सिंक, वॉल हंग कमोड, और यहाँ पे कंसील्ड आपको शॉवर सेटअप मिल जाता है। लास्ट रूम आपको मैं जल्दी से दिखा दूँ, फिर चलते हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर में। यह आप इसका सीलिंग वर्क देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे एक खिड़की, वॉक इन क्लोजेट मिल जाता है आपको इसमें। ये मास्टर बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का, और ये इसका वॉशरूम है इटालियन फिटिंग्स के साथ विद कंसील्ड सारा कुछ। यहाँ से कोई पाइप शायद आपको बाहर नज़र नहीं आ रहा, और ये एक बड़ी नीट लुक प्रोवाइड करता है आपके वॉशरूम को, और आप लोग देख सकते हैं सामने अपनी स्क्रीन्स पे। अभी चलता हूँ व्यूअर्स ऊपर आपको लेके, और जाके आपको दिखाता हूँ कि ऊपर क्या क्या मौजूद है, ताकि वो भी आप एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लें। यहाँ से लेफ्ट साइड से जो स्टेयरकेस है, इस पर ग्रेनाइट स्टेप्स का इस्तेमाल किया गया है विद अ वुडन
ये जो रेलिंग है ऊपर जाने वाली और साथ इसमें टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। व्यूअर्स, ऊपर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको एक खूबसूरत फैंसी लाइट मिलती है। सामने की तरफ आपको एक ब्रिज कनेक्शन मिलता है, जो कि ऊपर से आप ये नीचे देखें तो यहाँ पे आपको हाई सीलिंग वर्क्स, ऊपर आपको स्काई लाइट और राइट साइड पे एक स्टेयरकेस ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि ममटी एरिया है, वो भी जाके मैं आपको दिखाऊंगा। सामने की तरफ रेस्ट ऑफ द हाउस है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है एक बड़ा कमरा, जो नीचे ड्राइंग रूम था लेकिन ऊपर एक मास्टर बेडरूम कंप्लीट हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। और ये इसका सीलिंग वर्क है, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी एलिगेंट एंड सिंपल एट द सेम टाइम। लेफ्ट साइड पे आपको एक बड़ी विंडो मिल जाती है, इससे आप स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं। यहां से आपको ये वॉक इन क्लोजेट मिल जाता है और यहां पे आपको मिलता है ये वॉशरूम। अब ये लंबाई में वॉशरूम बना हुआ है, बहुत साफ सुथरा, इसमें आप टाइल देख सकते हैं, सारी फिटिंग्स इटालियन है, वॉल हंग कमोड है और यहां पे आपको इसका वैनिटी मिरर मिल जाता है अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। इसको अगर आप खोलें तो बैक साइड पे इसके मजीद स्पेस है। दिस लुक्स गुड। अभी मैं आपको इसका जल्दी से टेरेस रूम दिखाता हूँ, जो कि इसका बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें, एक कनाल के घर में जो टेरेस स्पेस आपको मिलती है ये कितनी बड़ी है। यहाँ से आपको एक वाइड व्यू मिलता है आपकी स्ट्रीट का और बड़ी क्वाइट स्ट्रीट है ये, यहाँ पे कोई ज़्यादा गाड़ियाँ शाड़ियाँ नहीं है और इतना बड़ा आपको टेरेस स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास की रेलिंग का यूज़ किया गया है, थोड़ा सा ग्रिल से आपको नीचे का आइडिया हो जाता है अपने पोर्च का। ये चूल्हा भी यहाँ पे रखा गया है। अभी मैं लेके चलता हूँ व्यूअर्स आपको सामने वाले पोर्शन में। एक कमरा मैंने ऊपर आपको दिखा दिया, अब ये स्पेस आप इंजॉय करें, चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ऊपर आपको ये एक गोल मटोल सा बड़ा ज़बरदस्त से फैंसी लाइट मिल जाती है, इसका आप सीलिंग वर्क भी देख सकते हैं। सामने की तरफ आपको एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों आ रहा है ये मैं बताता हूँ। ये जो लगा हुआ है ये वॉलपेपर है, इसके बैक एंड पे आपको एक कोर्टयार्ड एरिया मिल जाता है जिसको ओपन छोड़ा गया है, एक पूरी स्पेस यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास के साथ ये ओपन माहौल आपको मिल जाता है। इसके साथ यहाँ पे आप ये चेयर्स देख सकते हैं पड़ी हुई हैं, यहाँ पे आप आराम से चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। कनाल का घर है, सुकून मारें, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक प्राइवेट स्पेस है आपके पास आपके घर में, और इस प्राइवेसी के अंदर ही आप इंजॉय कर सकते हैं अपना स्पेयर टाइम, फैमिली टाइम, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट साइड पे आपको एक किचनेट मिल जाता है, काफ़ी पीछे जाके काफ़ी स्पेस है, ये लिविंग एरिया है, ये लाउंज है, इसके बाद ये किचनेट है। राइट साइड पे आपको ये स्टोर रूम मिल जाता है किचनेट के साथ, यहाँ पे आप काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते हैं। और बाकी के जो दो कमरे हैं वो ये सामने बने हुए हैं इस गली से, और इस कमरे का जो सामने वाले कमरे का व्यू है वो इस कोर्टयार्ड को मिलता है। तो ये कमरा मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, ये देखें ये व्यू आपको इस कमरे से प्रोवाइडेड है। तो ये बड़ा स्पेशल रूम है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, और ऊपर आप सीलिंग वर्क देखें इसका। यहाँ पे आपको फिर एक क्लोजेट मिल जाता है और लेफ्ट साइड पे आपको ये वॉशरूम की स्पेस मिल जाती है। बैक साइड पे आप मस्जिद देख सकते हैं। आखिरी रूम विजिट करवाता हूँ व्यूअर्स आपको, फिर चलते हैं छत पे। ये इसकी स्पेस है ओपन, ऊपर आपको ये मिल जाता है, यहाँ पे इसका वॉशरूम है। ये मैं तकरीबन सारी चीज़ें आपको नीचे दिखा चुका हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसके साथ आप ये प्लॉट ले सकते हैं और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन अ गार्डन रूम। ये व्यूअर्स इस घर का कंप्लीट टूर था, 9.5 करोड़ रुपया घर इटसेल्फ की डिमांड है। अगर आप साथ वाला प्लॉट भी लेना चाहते हैं तो 15 करोड़ रुपया डिमांड है। सेक्टर बी DHA फेज 2 में घर बना हुआ है। अभी मैं आपको इसका छत दिखा देता हूँ। ये आप शैंडलियर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये नीचे तक इसकी शेप बनती है, यहाँ ऊपर से देखें आप तो। ये व्यूअर्स इसकी छत है, यहाँ पे आपको सारा चिप्स का इस्तेमाल मिलता है। DHA 2 का खूबसूरत एरिया है, 60 गीगा मॉल है, और यहाँ पे आपको ये सेंट्रली कूल्ड, जो मैं आपको बता रहा था कि ये सारा कुछ है यहाँ पे, वो मिल जाता है। आपको पानी की टंकी मिल जाती है, आपको प्रेशर पंप मिल जाता है, घर में बहुत फैसिलिटीज़ हैं। और इसका बाहर से आने का जो एरिया है, जो स्पायरल स्टेयरकेस है, वो यहाँ साइड पे लगा हुआ है, तो आपके सर्वेंट्स जो हैं वो बाहर से आ सकते हैं, आप ख़ुद इवन बाहर से आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको सर्वेंट रूम, वॉशरूम और स्टोर रूम मिल जाता है। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।